दोस्तों, अगर आप भी कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो और आप चाहते हैं कि अपनी गाड़ी का टोल नहीं लगे, यानी कि आप अपनी गाड़ी का टोल बचाना चाहते हैं, तो आप गूगल मैप के इस फीचर्स का यूज करके अपनी गाड़ी का टोल बचा सकते हैं। आपको एक रुपया भी टोल पर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप गूगल मैप के इस फीचर्स का यूज करेंगे तो, क्योंकि गूगल मैप ने आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा फीचर शुरू किया है जिसकी मदद से आप अपनी गाड़ी का टोल बचा सकते हैं और आपको कोई ज्यादा लंबा चौड़ा रास्ता डाइवर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये फीचर्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो इसका कैसे यूज करेंगे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक भी हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और हो सके तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमें जाना है जयपुर, तो जयपुर से और हमारे बीच की दूरी है यहाँ पर आप देख सकते हो 173 किलोमीटर। इस 173 किलोमीटर को तय करने के लिए हमें यहाँ पर दो टोल देने पड़ेंगे, एक टोल यहाँ है और एक टोल यहाँ पर है। लगभग 450 से 500 रुपए का हमें टोल देना पड़ेगा, लेकिन हम इस टोल से बच सकते हैं। हमें टोल देने की कोई जरूरत नहीं है और आपको ज्यादा एक्स्ट्रा चलना भी नहीं है। जैसे कि अब आप यहां पर देख सकते हो हमें जयपुर जाने के लिए 178 किलोमीटर की दूरी तय करने पड़ेगी, यानी कि पहले से 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा हमें चलना पड़ेगा अगर टोल बचाना होगा तो। यानी कि 500 रुपए का टोल बचाने के लिए हमें लगभग 5 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ेगा, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें रूट चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप इसी हाईवे से जाएंगे, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो वो टोल भी इसी हाईवे पर आ रहे थे और विदाउट टोल के भी हमें इसी हाईवे पर जाना है। तो ये टोल कैसे बचाएंगे, चलिए हम पूरा वीडियो देखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपको कहीं भी ट्रेवलिंग करना है और आपके बीच में कहीं सारे टोल आते हैं, तो आप उन सारे टोलों को कैसे बचाएंगे, तो सबसे पहले आप उस लोकेशन को यहाँ पर सर्च करेंगे जिस लोकेशन पर आप जाना चाहते हैं। जैसे कि मैं जयपुर जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सर्च बार में टाइप करूंगा जयपुर, तो यहाँ पर डायरेक्शन और स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे और जयपुर के बीच की दूरी यहाँ पर आ चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो 173 किलोमीटर की दूरी हमें तय करना पड़ेगा। इसके लिए हमें यहाँ पर दो टोल देने पड़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट टोल यहाँ है और एक टोल यहाँ पर देना पड़ेगा। अब इन दोनों टोल को आप कैसे बचाएंगे, ध्यान से देखना। आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से ऑप्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से अवेयर टोल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर वापस बैक आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपको अब वो रास्ता बताएगा जहाँ पर आपका टोल नहीं लगेगा। हाईवे वही सेम रहेगा, बस आपको कुछ एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। एक्स्ट्रा में आपको ज्यादा भी नहीं चलना, जैसे कि हमें पहले जयपुर जाने के लिए 173 किलोमीटर की दूरी तक करनी पड़ती थी, अब हमें टोल बचाने के लिए 178 किलोमीटर की दूरी तक करनी पड़ेगी, यानी कि 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा आप कहाँ चलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारा एक टोल यहाँ पर है, तो हम इसको जूम करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस जगह पर टोल है और इस टोल को बचाने के लिए गूगल मैप ने आपका रास्ता डाइवर्ट कर दिया है, जो आपको यहाँ से इधर चलना है। और गूगल मैप आपको जो ये रास्ता दिखा रहा है बिल्कुल सही रास्ता है, इस वजह से गूगल मैप आपको ये रास्ता दिखाएगा। अगर ये रास्ता खराब होगा तो गूगल मैप आपको रास्ता नहीं दिखाएगा। तो इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा टोल बचाने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके टोल से बचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो फिर गूगल मैप आपको वो वाला रास्ता दिखाएगा इस रास्ते पर टोल नहीं आएगा। तो आप भी गूगल मैप के इस फीचर्स का यूज करके जरूर देखें।